शिमारू के नए वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। पता किधर गए वो तुम? हमें नहीं पता साहब। यश और अंजलि हनीमून पर कहाँ गए? मुझे भी नहीं पता, और अगर पता भी हो तो तुम्हें तो मैं नहीं बताऊंगी। जरूर वो आदित्य घर वालों से जानने की कोशिश कर रहा होगा कि हम कहाँ हैं। पता नहीं क्या चल रहा है इस लड़की के दिमाग में। मेरी जिंदगी में आने के लिए थैंक यू। हेलो, कहाँ हो तुम? मुझे यहाँ फोन करके बुलाने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली मुझे तुम्हारी एक हेल्प चाहिए। चलो सीधे पॉइंट पर आता हूँ। अंजलि और यश अपने हनीमून के लिए पता नहीं कहाँ चले गए। वो तो मॉलडीव्स जाने वाले थे। जाने वाले थे, जा नहीं पाए मेरी वजह से। इतना बड़ा हार बनाने के लिए दो पासपोर्ट लगे, एक तुम्हारा और एक यश का। तो इसमें मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? और तुम्हें क्या करना है ये जानकर कि वो दोनों कहाँ गए? क्योंकि मैं अंजलि से प्यार करता हूँ और तुम यश से। यश ने तुम्हें धोखा देकर अंजलि के साथ अपना रिश्ता जोड़ा है। सॉरी, मैं इसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकती। अपने इमोशन छुपाने की कोशिश मत करो रिचा। मैं जानता हूँ कि तुम यश से आज भी उतना ही प्यार करती हो जितना वो अंजलि से। मैं किसी से कोई प्यार व्यार नहीं करती। प्लीज कम से कम मुझे इतना बता दो कि यश और अंजलि की हिंदुस्तान में सबसे फेवरेट जगह कौन सी है। मुझे नहीं पता। देखो, I promise, मैं उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। बस मैं ये जानना चाहता हूं कि मेरी अंजलि कहां है। मुझे कैसे पता होगा? यश ने वहां की रील बनाकर डाली थी सोशल मीडिया पर। वो दोनों लोग समंदर के किनारे पर गए हैं।
हिंदुस्तान में सबसे सुंदर समंदर का किनारा। थैंक्स रील दिखाने के लिए। अरे ये पापा इतनी जल्दी जल्दी कहाँ भागे जा रहे हैं? जिस जगह पर कहा था वहां पहुंच गए। हाँ, मैं अपने घर से दौड़ता हुआ 5 मिनट में यहाँ पहुंच गया हूँ। अब जल्दी बताओ कहाँ हो तुम? मैं जानना चाहता हूँ कि आखिर हो कौन तुम? मेरे अतीत के बारे में इतनी सारी बातें कैसे जानती हो? मैं कौन हूँ, क्या हूँ, वो सब छोड़ो, लेकिन तुम ये सोचो कि इस उम्र में अगर तुम्हारा अतीत सबके सामने आ गया तो क्या होगा सुबोध, खास करके अलका और रिचा के सामने। तुम ऐसा नहीं, कुछ नहीं करोगे प्लीज, वरना मैं, मेरा घर, मेरी इज्जत सब बर्बाद हो जाएगी। कौन हो तुम, कहाँ हो, सामने क्यों नहीं आ रही हो? सॉरी, मैं वहां से थोड़ा आगे आ गई हूँ। अगर तुम पहुंच सको तो 2 मिनट में गली के मोड़ पर पहुंच जाओ, वरना मैं वहां से भी निकल जाऊंगी। नहीं 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 नहीं, तुम जाना मत, मुझे तुमसे मिलना है, अभी मिलना है, कहीं मत जाना, आज ही मिलना है, रुको तुम, रुको। पापा को हुआ क्या है, इतने परेशान होकर किससे बात कर रहे हैं वो, कहाँ चले गए पापा? फिर से देर कर दी। अरे दो मिनट में ही तो पहुंचा हूं, क्यों सता रही हो? कहां हो तुम, सामने आओ। तुम पूरे 45 सेकंड लेट हो सुबोध, अब मैं यहां से भी निकल रही हूं, अब मिलने की बात कल करेंगे। अरे फोन मत काट, अरे फोन तू काट दिया, हिम्मत है तो सामने आओ। ये तो कुछ भी नहीं है सुबोध, आगे आगे देखो होता है क्या, पागल कर दूंगी तुम्हें, पागल जैसे 22 साल पहले तुमने मुझे पागल कर दिया था। जी धर्मपत्नी जी, यश जी देखिए किसी के पैरों के निशान। ये देखिए, ये हमारे कमरे में कोई आया था, चले। चोरी नहीं हुआ का क्या मतलब है? कोई हमारे कमरे में घुसा है, ये क्या छोटी बात है? सॉरी सर, मैं जाकर ठीक से चेक करता हूँ, तुम जाकर सीसीटीवी फुटेज चेक करो। और किसी को साफ करने के लिए भेज गए? पता नहीं क्यों हमारा मन बहुत घबरा रहा है जी, डर सा लग रहा है हमें। तुम ही कहती हो ना, जब यशांजलि साथ है तो फिक्र की क्या बात है, फिर डर की बात क्यों कर रही हो? मुझ पे भरोसा है ना? खुद से भी ज्यादा। तो बस अपनी सारी टेंशन को 9-2-11 कर दो और आंख बंद करके सोचो कि सिर्फ
यश और अंजलि का साथ और ये पल, बस यही सच है। पापा, कल मैंने आपको चौक वाले बाजार में देखा था। आपको कुछ काम था क्या? तू चौक बाजार गई थी क्या? हाँ, वो मुझे कुछ काम था, तो आपको कुछ चाहिए था तो आप मुझे बता देते ना। नहीं, मैं क्या करने जाऊंगा वहां। पापा, मैंने देखा था आपको वहां, आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? तुमने किसी और को देखा होगा, मैंने कहा ना मैं नहीं गया था। अंजलि, अंजलि जल्दी आओ, शर्माओ मत, देखो कितना मजा आ रहा है, कम ऑन। अंजलि, अरे मेरी धर्म पत्नी जी, ऐसे कपड़े पहन के कौन आता है स्विमिंग पूल में? स्विमिंग कॉस्ट्यूम कहाँ है तुम्हारा? नहीं नहीं जी, हम वो स्विमिंग कॉस्ट्यूम नहीं पहन सकते, ये ठीक है ना? देखिए, अरे पर अच्छा चलो आओ 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 जल्दी आओ जल्दी। यश जी, नहीं नहीं, नहीं नहीं नहीं, हम नहीं जाएंगे। अरे चलो ना, हम जाइए। वाह, कॉन्ग्रेचुलेशंस यश गर्ग, तुम हनीमून पर आए हो लेकिन पूल में अकेले हो, राइट? इसका बदला लिया जाएगा अंजलि। यश जी, वहां पे कोई है, कोई हमें देख रहा है। अंजलि, कोई नहीं है, कोई स्टाफ होगा, तुम्हें गलतफहमी हो रही। चलो चलो चलो। नहीं यश जी, कोई है वहां पे। अच्छा मैं देखता हूं। क्या कर रहे हो तुम लोग यहाँ? आपसे कुछ बात करनी है, यहाँ तो आइए। यश जी, आप कहीं मत जाइए, आइए चलिए। अंजलि तुम घबराओ मत, मैं बस यूं गया और यूं आया। नहीं नहीं, आप आइए। अंजलि पर यश जी। अरे भाई साहब, भाभी जी सही कह रही हैं। आते हैं हम लोग ऊपर, आ जा। यश जी आइए, यश जी शांत हो जाइए, कोई बात नहीं। नमस्ते नमस्ते नमस्ते। पता नहीं प्राइवेट स्विमिंग पूल आई, क्या कर रहे हो यहां पे? निकलो यहां से, निकलो यहां से,
अरे रे 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 ना, आवाज नीचे। वो क्या है ना, हम यहाँ झगड़ा वगड़ा तो करने आए नहीं, हम यहाँ आए हैं आपसे 10 लाख रुपए लेने। आप हमें 10 लाख रुपए दे दीजिए, हम अभी कभी चले जाते हैं यहाँ से। 10 लाख? हाँ हाँ, क्यों दूंगा मैं भला तुम्हें 10 लाख? हाँ, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, चलो निकलो यहाँ से। चलिए, नहीं तो मैं पुलिस को कंप्लेन करूंगा। तुम रुको, मैं अभी केयरटेकर को बुलाता हूँ। इस बात के 10 लाख रुपए दूंगा। भाई साहब, चेहरे से आप बुद्धू नहीं लगते, आपके समझ में नहीं आ रहा है, हम आपको ब्लैकमेल कर रहे हैं। ब्लैकमेल? जी। क्या मतलब? क्या है ना सर, आप यहाँ आए हैं अपने हनीमून के लिए और हम आए हैं अपने बिजनेस के लिए। कैसा बिजनेस? बात दरअसल ये है कि हमने आपके कमरे में कैमरा लगा दिया था। और उसकी रिकॉर्डिंग ये है। अब क्या है ना कि अब आप हमें 10 लाख रुपया दे दीजिए, नहीं तो हम अपलोड कर देंगे अपने एंटरटेनमेंट चैनल पर। गुस्सा अकल को खा जाता है भाई साहब। इसका मतलब कल तुम ही हमारे कमरे में आए थे? मैं अभी के अभी तुझे पुलिस के हवाले कर दूंगा। ये लो, अब बता क्या अपलोड करेगा तू? हाँ, क्या अपलोड करेगा? कच्चे खिलाड़ी नहीं है हम, इसकी जो रिकॉर्डिंग है ना, एक नहीं है, 10-10 है हमारे पास में। कितने को फेंकिएगा आप? अरे भाभी जी, भाभी जी शांति रखिए, कहाँ जा रही है भाभी जी? आपसे हमें कोई जाति दुश्मनी तो है नहीं, आप बीच में मत आइए, नहीं तो खामुखा आपको भी चोट लग जाएगी हैं? अरे भाई साहब को समझाइए आप हमें 10 लाख रुपया दे दीजिए, इसी में आप दोनों की भलाई है। नहीं, तबीयत कुछ ज्यादा ही खराब लग रही है। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है, बार बार बस चक्कर से आते रहते हैं और बेचैनी सी होती रहती है। क्या? तो चल डॉक्टर को दिखा आते हैं। नहीं मम्मी, अब आप टेंशन मत लीजिए, मैं खुद जाकर दिखा लूंगी डॉक्टर को। किशोरी जा, रिचा के लिए गर्म दूध लिया। अभी नहीं। ठीक है ना तू? भैया नहीं नहीं नहीं, प्लीज रुक जाइए ना, प्लीज प्लीज प्लीज। जब तक
हानि करेगा ना, यू ही डुबकियां लगवाता रहूंगा तुझे। बोल। देख ना भाभी जी को कितनी तकलीफ हो रही है, अभी जल्दी से हाँ कर देना पट्टे। ये ऐसे नहीं मानेगा। सारे के सारे गुंडे तेरे ही हैं। मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं आदित्य। सबसे पहले मैं लोगों से निपट लूं, उसके बाद तुम्हारा भ्रम तोड़ दूंगा। जोर से मेरे सर पर मार। आपको मारू? हाँ जल्दी कर, जोर से मारो। चल सेलिब्रेशन तो बनता है। कहीं ग्लास में अंदर से कुछ डालकर लाया होगा तू यश जी को पिलाने के। मैं तो बड़ी जल्दी लुढ़क गया। मुझे बता दो क्या मिला तुमने यश जी की रिंग में? बस बताना। आदित्य हम कह रहे हैं हमारे पास मत आना। एक अनोखे बंधन से बंधी अंजलि की कहानी देखने के लिए अभी अपने टीवी पर लगाइए शिमारू उमंग।